डाल रहा हूँ, ठीक है। ऑडियो इस स्क्रीन का जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ठीक है, इसी के ऊपर मैं जस्ट स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। आप ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपका आप जितना भी मैच प्ले करते हो, भले ही आप मेरा चैनल पे रहो या ना रहो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पे भी बहुत कुछ बताता हूँ ऐसा जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, आप एक काम करो, ठीक है, आप अगर प्ले करते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो आप लोग मेरा स्क्रीनशॉट देख आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो, कोई भी टीम अगर 5, 6, 7 पैसा लग चुका है, ठीक है, वापस से वो टीम अगर मान लो 90 पैसा आ जाता है, ठीक है, आप सोचोगे कि भाई मैंने क्यों प्ले नहीं किया, ठीक है। मान लो 5 पैसा का टीम, ये 70 पैसा लग चुका है, ठीक है, कल का ही मैं ये बोल रहा हूँ, लाहौर 5 पैसा से 70 पैसा लग चुका है, ठीक है। तो ये भाई 5 पैसा से 70 पैसा लग चुका है, ठीक है, ये 6 पैसा है, ये 7 पैसा है, ठीक है। तो ये मान लो 7 पैसा से मैंने 7 पैसा में ले किया, ठीक है, लाहौर को खाया, पेशावर को मैंने प्लस किया, ठीक है, ये 6 पैसा है, 6 पैसा से ये वापस ये मान लो 90 पैसा आ गया, ठीक है। आपका थिंकिंग एक ही रहेगा कि मैंने क्यों नहीं खाया लाहौर को, ठीक है, 7 पैसा पे अगर खाता तो बोर्ड साइड में खुशी बना के निकल जाता, ठीक है। ये सिर्फ होता है 100 मैच में, ठीक है, 30 मैच ऐसा होगा जो कि 7 पैसा का टीम 90 पैसा आएगा, ठीक है। अब बाकी आप मान लो, आप मतलब ये 7 पैसा का मतलब हो गया 100 में 7 बार ही ये आता है, ठीक है, 7 बार आपको मतलब 7% जीतने का चांस है और 93% आपका लॉस करने का चांस ही है, ठीक है। तो उससे बेहतर है भाई मैच ही प्ले मत करो, ठीक है, क्योंकि मान लो 6-7 पैसा चल रहा है, ठीक है, 6-7 पैसा है, 6 पैसा से ये 90 पैसा आ गया और ये 95 पैसा आ गया, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं रहता, 92-93 पैसा, ठीक है। तो आप उस टाइम पे लोग यही गलती करता है कि लाहौर 7 पैसा से 90 पैसा है, चलो लाहौर को मैं बेक कर लेता हूँ 90 पैसा पे, पूरा का पूरा अमाउंट 10,000 से, ठीक है। तो 10,000 से मैंने बेक कर लिया लाहौर को, लाहौर को रेट क्यों आया ऊपर, क्योंकि विकेट गिरा, ठीक है, तभी रेट नीचे ड्रॉप नहीं हुआ है, ऊपर नीचे से इतना हाई उठ गया, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको मैच को टोटली उस मैच को स्किप करना है, अगर स्किप नहीं करना है तो मैच में प्ले ही करोगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाहौर का मान लो 5 विकेट गिर चुका है और इसका कितना विकेट बचा हुआ है, मान लो 5 विकेट सिंपली बचा हुआ है, ठीक है, 5 विकेट से कौन सा प्लेयर आपका लॉन्ग हिट लगा सकता है, मान लो 2 छक्का लगा तो ये 90 का रेट आपका गिर कर 60 पैसा आ जाएगा, ठीक है, ये आप लॉस कट करके इजीली निकल सकते हो। एक नंबर 1 पॉइंट ये रहा, ठीक है, और नंबर 2 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, यही अगर मान लो 5 विकेट है, ठीक है, 5ों में से 5ों ऑलराउंडर है, बॉलर है, 4 बॉलर है, 1 ऑलराउंडर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है उस टाइम में, आपको 92 पैसा जब लाहौर दे रहा है खाने के लिए, तो 92 पैसा में आपको लाहौर को हाफ लिमिट यूज़ करके पैसा उनको प्लस कर लेना है, ठीक है। अगर गया तो गया, उसको अगर लॉस भी हो जाता है तो आपको मन में कोई मतलब दुख नहीं होगा, एक ही चीज़ का आपको थिंकिंग रहेगा कि भाई 7 पैसा मैंने क्यों नहीं खाया, 2 पैसा पे मैंने क्यों नहीं खाया, ये मैच उड़ गया। अब मैच उड़ता कितना है भाई, ठीक है, 10 में से 10 अगर मैच उठा के देखोगे ना, 10 में से 1 भी मैच नहीं उड़ता है, ठीक है। हाँ, 100 मैच में भले ही 30 मैच उड़ गया, ठीक है, लेकिन आपको 70 मैच का पैसा लेके चला गया, ठीक है। 70 मैच पे अगर आप वन लिमिटी भी यूज करोगे, 700 भी यूज करोगे, तो आपको 700 × 70 मार दो कितना निकलता है, ठीक है, आपका जितना 30 मैच में जितना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका पैसा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अब उस नुकसान को उठाने के चक्कर में और भी लोगों का और ज़्यादा नुकसान होता है। मान लो फैंसी में बताता हूँ, ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अब समझ लो इस वीडियो में ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये यूट्यूब साइट हटा मतलब हटा भी देगा ये चैनल से, ठीक है, तो कोई कॉपीराइट भी कर सकता है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी आ सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, हो सकेगा तो सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका 170 लंबी आया, ठीक है, किसी ने इसको नोट किया, ठीक है, मान लो T20 का मैं बता रहा हूँ, किसी ने इसको नोट किया 170, आपको लगा है पिच देख कर कि भाई ये रन नहीं बनने वाला है, 170 में नोट करता हूँ, ठीक है,
फ्लैट पिच आपको पिच लगा है भाई, फ्लैट नहीं है ये, टर्निंग पिच है, तो 170 बनना बहुत पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मान लो लाहौर और पेशावर का ही मैच हो रहा है, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपका 170 आ रहा है लाहौर का लंबी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाहौर का लंबी को मान लो पेशावर फेवरेट है, लाहौर का लंबी आ रहा है 170, अभी 170 को आपको नोट करना है, पेशावर आपको फेवरेट है, पेशावर को आपको खा लेना है। अगर आपको आपको ये सोचना पड़ेगा लाइव मैच देखकर कि पिच टफ है, अगर 170-175 बन जाता है तो लाहौर फेवरेट है, मेरा लॉस कट हो जाएगा, तो लाहौर लाहौर अगर जीता है तो मेरा प्रॉफिट वहीं बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर वन, आपको अगर मान लीजिए पिच टफ है, 170 लंबी दे रहा है, आपको 170 को नोट कर लेना है, मतलब आपका टीम सबसे स्ट्रांग लग रहा है यहाँ से, यहाँ पे लाहौर और यहाँ पे पेशावर, ठीक है। लाहौर सबसे स्ट्रांग है, पेशावर आपका फेवरेट मिल रहा है 80 पैसा, ठीक है। आपको पेशावर को हाफ लिमिट यूज करके खा देना है, आपको लाहौर को प्लस कर देना है। आपका एक ही थिंकिंग रहेगा, अगर 170 बना तो लाहौर ये मैच जीत जाएगा, ठीक है। पिच टफ है, सेकेंड इनिंग्स में और भी टफ होगा, बनेगा ही नहीं, ये सिर्फ लाइव देखने वालों लोग का है, जो ऐसे ही अंधाधुंध बैठ करता है उन लोगों का ये थिंकिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि भाई पिच कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए आपने 170-2000 से नोट किया, ठीक है, आपको 80 पैसा लगा है पेशावर, तो पेशावर को आपको जैसे आपका नुकसान रुपये 2000 ही है, तो जब 80 पैसा लगा है तो 1600 रुपये से लेकर 1600 में 2000 रुपये आपका प्रॉफिट बन रहा है लाहौर पर, ठीक है। तो प्रॉफिट जब 2000, 1600 पे 2000 बन रहा है, मान लो आपका वो 165 ही हुआ, ठीक है, आपको 170 वाला तो मिल ही गया, ठीक है, लॉस नहीं है, 400 आप प्लस में हो। आपका लाहौर ऐसा हो गया सिचुएशन की मैच का कि लाहौर 90 पैसा फेवरेट लग गया, तब इजीली 90 पैसा पे लाहौर को ले करो, लाहौर को खा लो, अपना लॉस जीरो कर लो, लॉस जीरो कर लो, बस 200-400 बचेगा, रख दो आपका 2000 का प्रॉफिट हो चुका है। ये रिस्क फ्री गेम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने किसी का नॉट किया, ठीक है, कोई प्लेयर का बॉल नॉट किए हो, ठीक है, मान लो हाँ मुझे लगा कि भाई ये बैटिंग पिच है, ठीक है, मैंने 21 नॉट किया, ठीक है, एक प्लेयर का मान लो बाबर का है, ठीक है, और बॉल दिया है 24, ओपनिंग होता है 24-25, तो मैं क्या करूँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बाबर अगर 24 बॉल प्ले कर लेगा तो 21 रन बना देगा इजीली, ठीक है। तो मैं 20 टफ है उसमें 24 बॉल को करूँगा नॉट और 21 रन को करूँगा यस, ठीक है, वो पहले ही मार के खेलेगा, ओपनिंग आता है, ठीक है। और नंबर टू हो गया, आपका पिच टफ है तो आपको रन को करना है नॉट और बॉल को करना है यस, ठीक है, सेम लिमिट से 21 रन नॉट 1000 और 24 बॉल 1000 यस, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि कभी देखो पिच टफ होने से प्ले करना इतना पॉसिबल नहीं होता इतना अच्छा से, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद यही रहा कि जो भी लो रेट का टीम आएगा, मतलब हाई रेट गया है, तो उस टीम को मत लो, होगा तो जब ये 5 पैसे से 90 पैसे जा सकता है तो ये अनफेवरेट भी मिल जाएगा, ये लॉस मतलब ये टीम हारने का कगार पे होगा, ठीक है। तो उस टाइम अभी मान लो लाहौर 7 पैसे से 90 गया, तो लाहौर का आपको 90 पैसा भी बैक कर लेना है, कोई इशू नहीं है, 90 पैसा बैक कर लो, पैसा और का प्लस कर लो, जैसे ही और एक विकेट गिरेगा तो पैसा और आपका 30-40 पैसा लग जाएगा, लॉस कट कर निकल जाओ। अगर लाहौर का रेट नीचे जाता है तो कुछ भी मत करो, गया तो गया, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपका फैंसी अगर ओपन है 15 ओवर 16 ओवर का, तो आपको हल्का अमाउंट से यस कर देना है, हल्का हल्का अमाउंट से यस करते जाना है, अगर मानेगा तो रेट आएगा, अगर नहीं माना तो ये ख़त्म है, ठीक है, पैसा और जीतेगा मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा, तब आप मतलब डबल चांस ले सकते हो, ठीक है। और मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पे भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्रिंट आउट करके रख जाऊंगा, ठीक है, रख दूंगा मैं वहाँ पे, तब लोग वहाँ से मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इस फील्ड में नया है, ठीक है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं चैनल पे उतना आप लोगों को हेल्प करता हूँ, तो आप लोग चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। आज के लिए मेरा वीडियो यहाँ पर ही मैं समाप्त करता हूँ।